रेस होती है अपने कल से अपना आज बेटर हो। रेस अपने पुरुषार्थ में होती है और रीस होती है मैं इससे अच्छा करूं उससे अच्छा करूं, ये रीस होती है ना। तो कई बार हम दूसरे की रीस में पड़ जाते हैं कि है ना, उसको इतना पूछा जाता है तो मुझे उससे ज़्यादा पूछा जाए, मुझे ये मिले वो मिले। तो रीस में नहीं आना है, रेस में रहना है आज। लेकिन जो मेरे मन में पहला प्रश्न आ रहा था कि रेस में हैं हम, क्योंकि बाबा ने हमें कहा है कि तुम्हारी रेस है विजय माला का दाना बनने की। तो क्या हर ब्राह्मण के मन में कॉन्शियसली ये रहता है कि मुझे विजय माला का दाना बनना है, इतना लक्ष्य रखते हैं, है ना? क्योंकि ये प्रश्न ना अपने आप को पूछना पड़ेगा, है ना। कई बार ऐसा होता है कि बस चल रहे हैं, हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं वो नहीं पता है ना। तो ये जो रेस है ना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे अंदर वो रेस नहीं है कि मुझे विजय माला का दाना बनना है, वो लक्ष्य नहीं है, तो बहुत मुश्किल है। अभी हाथ नहीं उठवाऊंगी, लेकिन मैं आपको बताऊँ, मेजॉरिटी में वो लक्ष्य नहीं होता है ना। बस आ रहे कर रहे, अच्छा आज बाबा ने ये बोला, आज बाबा ने वो बोला, अच्छा ठीक है बाबा ने तो बोला, लेकिन ये जो हम सब कुछ कर रहे हैं उसमें मेरा पर्सनल एम ऑब्जेक्ट बना है कि मुझे विजय माला का दाना बनना है मुझे। और विजय माला का दाना में भी 16,108 का टारगेट है या 108 का है या 8 का है ना। क्योंकि सीट तो दो ही फिल हुई है, बाकी तो सारी खाली है ना। तो बाबा कहते हैं उसमें अभी कुछ फिक्स नहीं हुआ है, बाबा ने कहा ना माला अभी बनी नहीं है। तो हम अपने आप को पूछें कि मेरे अंदर ये लक्ष्य है कि मैं 8 में आऊं या 108 में आऊं या 16,108 में आऊं। आप अगर अपने दिल से सच में पूछेंगे ना, तो क्लैरिटी से लक्ष्य लेकर बहुत कम ब्राह्मण चल रहे हैं। मैं समझती हूँ 1% भी नहीं होंगे, है ना। तो इसीलिए ये जो अपने अंदर ये लक्ष्य रहे कि मुझे ये बनना है टारगेट, क्योंकि लक्ष्य के बिना कभी लक्षण नहीं आते। हाँ सुन रहे हो सभी, है ना। अगर लक्ष्य नहीं है तो लक्षण नहीं आएंगे। लक्षण आएंगे ही तब जब आपका एक टारगेट है, एम है ना। वरना हम बस चल रहे हैं, हम बाबा की श्रीमत पर चल रहे। अब चल तो रहे हैं, पर कितना चल रहे हैं, कैसा चल रहे हैं, वो तो तब पता चले ना जब लक्ष्य हो, है ना। जैसे अगर किसी का कोई लक्ष्य ही नहीं है तो स्कूल में उसको 50% भी मिलते हैं तो बड़ा खुश हो जाता है ना। दूसरे को लगता है अच्छा इसके कम आए, लेकिन उसका तो कोई टारगेट ही नहीं है ना। उसको लगता है अच्छा ठीक है 50 भी, अगर मैं तो सोच रहा था फेल हो जाऊंगा, 50 आ गए, कितना खुश हो जाता है। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि देखो ये जो एजुकेशन सिस्टम है, हम शुरू से सुनते हैं कि इसमें रैंकिंग और मार्क्स और इन कारणों से बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, रैंकिंग की तो बात रीस की हो जाती है ना, उससे आगे या उससे पीछे। लेकिन हम मार्क्स, एग्ज़ाम, इवैल्यूएशन, इसको ख़त्म नहीं करते दुनिया में। आज भी ऐसा नहीं है कि मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर मार्क्स नहीं मिलेंगे तो बच्चा नहीं पढ़ेगा, ये पक्की बात है ना। क्योंकि उसका कोई टारगेट ही नहीं है कि मुझे है ना इतना लाना है या उतना लाना है, तो पढ़ेगा क्यों। तो ये जो लक्ष्य फिक्स होना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और अगर वो पहली ही चीज़ नहीं हुई है, कई बार देखो माया कैसे कैसे खेल खेलती है ना। माया कहती है
हमें किसी रेस में नहीं पढ़ना है, हम तो बस ऐसे ही चल रहे हैं ज्ञान में। अरे चल तो रहे हो, कब लुढ़क जाओगे पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि तुम्हारा कोई लक्ष्य ही नहीं है तो क्या तुम कहाँ तक चलोगे? छोटी सी बात आएगी तो तुम लुढ़क जाओगे। तो हमारा लक्ष्य है कि मुझे 8 में, 108 में, 16,108 में आना है। अगर नहीं है तो आज इस पर चिंतन मंथन करो कि मेरा लक्ष्य क्या है, मैं क्या बनना चाहता हूँ। क्योंकि देखो, जो संकल्प से सृष्टि है ना, तो अगर संकल्प में अपना भविष्य स्वरूप, अपना भविष्य पद है ही नहीं, तो आप किस कौन सी सृष्टि में लगे हुए हो? भविष्य मेरा स्वरूप क्या है, मेरा पद क्या है, अगर मेरा उसके प्रति कोई लक्ष्य ही नहीं है, चिंतन ही नहीं है, उसकी कोई इमेज ही नहीं है मेरे पास, तो हम क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्या बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, है ना? तो ये हमें सबसे पहले विचार करना है कि क्या जो बाबा कहते हैं तुम रेस में हो, तो मैं रेस में हूँ, मेरी मंजिल मुझे पता चलती है ना? क्योंकि कई तो ऐसे ही बिना मंजिल के ही, है ना, रेस कर रहे हैं, और रेस क्या कर रहे हैं पता नहीं, है ना? फिर वो रेस में ही आ जाते हैं, वो रेस होती भी नहीं है ज़्यादा, है ना? तो ये पहली चीज़ है। फिर बाबा कहते हैं अब रेस में हो तुम, आपने जो दुनिया में स्थूल रेस दौड़ते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, देखा है उनको, है ना? तो रेस कैसे जीतेंगे? रेस जीतने के लिए तो बल चाहिए ना, ताकत नहीं है तो रेस कहाँ से जीतेंगे, है ना? तो ये भी जो विजय माला में आने की रेस में हमें कौन सा बल चाहिए, वो बल क्या है जिसके आधार से आज देखो, मुरली मुरली सुनते हैं पर लक्ष्यहीन होके सुनते हैं ना, तो मुरली और व्हाट्सएप फॉरवर्डेड मैसेज में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। जैसे वो आप सुनते हैं, दूसरे को फॉरवर्ड कर देते हैं, खुद कुछ करना नहीं है, ऐसे ही मुरली भी, आज की मुरली सुन ली, आज की जब तक सुनी नहीं है तो टेंशन है क्योंकि आज का काम नहीं हुआ है ना? जैसे दुनिया में लोगों को आज का अखबार नहीं पढ़ा है, ऐसे स्ट्रेस होता है ना, ऐसे स्ट्रेस होगा कि आज की मुरली नहीं सुनी, आज की मुरली नहीं सुनी, फिर सुन ली तो आधी फॉरवर्ड करके भी सुन ली या जैसे भी सुन ली, अब सुन ली काम खत्म हुआ, जाओ टिक मार्क लगा दो चार्ट में, है ना, झमेला खत्म आज का। लेकिन मुरली वो नहीं है, मुरली तो हमें मनुष्य से देवता बनाने वाली है ना, तो मुरली में और दुनिया की बातों में क्या फ़र्क है? दुनिया में भी कहते हैं क्रोध मत करो, दुनिया में भी कहते हैं शांत रहो, प्यार से रहो, है ना, बाबा भी हमें वही कहते हैं, लेकिन मुरली में ऐसा क्या है जो दुनिया में नहीं है? तो मुरली में है विधि, दुनिया में है ये बन जाओ, ये कर लो, ऐसे मत करो, मुरली में है विधि, है ना? दुनिया में हर कोई कहता है ये करो ये मत करो, लेकिन उस करने या ना करने के लिए जो ताकत चाहिए वो दुनिया में उस विधि को नहीं बताया जाता। अब हम उस विधि को सुनते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, सुनते सुनते भूल जाते हैं, फिर हमें लगता है फिर हम उस विधि पर अटेंशन ही नहीं देते, है ना? जैसे दुनिया में कहते हैं ना डेड लेटर, आप कोई बात रोज़ सुनते हैं ना तो उसका अर्थ आपकी बुद्धि में ख़त्म हो जाता है। रोज़ आप सुन रहे हैं, जैसे मेरी एक फ्रेंड थी स्कूल में, उसके पिताजी फिजिक्स प्रोफेसर थे, तो वो कहते थे अब हम तो कोई भी काम की बात कह दें तो इनके कानों तक पहुंचती ही नहीं है, है ना, और ये साइंस में फेल होते हैं क्योंकि पिता की बात सुनाई ही नहीं देती है। तो ऐसे क्या होता है, कई बार मुरली सुनते सुनते ना हम वो शब्द सुन रहे हैं पर उस शब्द के साथ हमारा बुद्धि योग लगे, हम उसका अर्थ समझे, वो नहीं हो रहा, वो ऐसे ऊपर से पार हो जाता है ना, जैसे सुन रहे हैं पर नहीं सुन रहे। तो हमें मुरली सुनने में
हमें समझना है कि जब हम मुरली सुनते हैं तो बाबा हमें बहुत बड़ी चीज़ दे रहे हैं, विधि, जिससे सिद्धि होगी। दुनिया में सब कहते हैं ये करो ये मत करो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को जीतो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो हम पहले भी सुनते आए हैं। लेकिन भगवान क्यों परम धाम से आता है? क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को जीतने के लिए जो विधि चाहिए वो हमारे पास पहले नहीं थी, है ना। प्यार से रहो, शांति से रहो, खुश रहो, ये तो हमें भी पता था, लेकिन उसकी विधि नहीं पता थी। अब विधि क्या है? तो बाबा ने हमें विधि बताई है कि जब तुम अपने को मनुष्य से देवता बनाना चाहते हो, देवता क्या होते हैं? विकार नहीं है, गुण है, बस इतना ही तो डिफरेंस है। मनुष्य में गुण नहीं है, विकार है, और देवता में विकार नहीं है, सर्वगुण है, इतना ही तो अंतर है, और तो कोई अंतर नहीं है। तो वो जो गुण को धारण करना, अवगुण को छोड़ना, इसके लिए हमें बाबा ने विधि दी है। और वो विधि क्या है? अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो, और उससे भी वो उसके साथ जो कनेक्टेड बातें, जिसको हम कहते हैं ज्ञान का बल, याद का बल, पवित्रता का बल और सेवा का बल। निरंतर याद करने के लिए भी आपको ये चारों बल चाहिए, है ना। रेस में रहना है तो रेस की के लिए ताकत कैसे मिलेगी? ज्ञान का बल, याद का बल, पवित्रता का बल, सेवा का बल, श्रीमत का बल, है ना। श्रीमत का बल जिसको हम कहते हैं कि बाबा जो भी हमें कहते हैं आज्ञाकारी बनकर हमें चलना है। तो ये जो चार बल हैं इसको हम अपने जीवन में धारण कर रहे हैं। हम ज्ञान सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं सत्य का ज्ञान। बाबा हमें बताते हैं तुम आत्मा हो, सृष्टि चक्र का ये स्वरूप है, चार युग ऐसे फिरते हैं, ये सतयुग आने वाला है, तुम परम धाम निवासी हो, तुम आत्मा बहुत तीखा रॉकेट हो, तुम 1 सेकंड में, है ना, परम धाम पहुँच। ये ज्ञान है, हमें पहले नहीं पता था कि हम एक संकल्प से परम धाम पहुँच सकते हैं, हमें ये नहीं पता था हम ईश्वरीय संतान हैं। लेकिन ये जो ज्ञान है इसका बल कैसे मिलेगा? जैसे आप देखो, आप भोजन खाते हो, लेकिन उसका बल कब मिलता है? जब आप उसको डाइजेस्ट करते हो, है ना। इसीलिए ये जो ज्ञान है इसको बुद्धि खाती है, भोजन है ना बुद्धि का, तो बुद्धि ने खाया, लेकिन उसको अगर आप विचार सागर मंथन नहीं करेंगे तो वो बल नहीं बनता, है ना। तो अगर हमें ज्ञान बल चाहिए तो हमें बाबा की ये जो श्रीमत है कि मुझे विचार सागर मंथन करना है, उस श्रीमत पर हम चलते हैं। क्योंकि रोज खा रहे हैं और हाजमा ठीक नहीं है तो क्या होगा? बदहजमी होने लगती है ना। ज्ञान की बदहजमी देखी है? बहुत मुरलियाँ सुन ली, बहुत कर लिया, रोज एक ही बात तो है, अच्छा करना तो कुछ है नहीं, बस ठीक है अब जित जैसे चल रहा है चलने दो। आजकल तो हम पुरानी ही सुन लेते हैं, फ्रेश की ज़रूरत भी क्या है? ये होती ज्ञान की बदहजमी। क्यों? क्योंकि सुन रहे हैं, कुछ कर तो रहे नहीं है। तो धीरे धीरे वही जो ज्ञान का भोजन है वो हमें विरक्ति करने लगता है। हाँ, तो रिजल्ट कैसे दिखेगा? जब हम चिंतन मंथन ही कर रहे, रोज हम आत्मा सुन रहे हैं पर कभी बैठ के अपने को आत्मा समझते ही नहीं है ना। तो वो जो, और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? वो भक्ति की जो बुद्धि में पड़ी हुई है ना, कि बस जाओ तो तर जाओगे, है ना। हम तो बस अटेंडेंस गिन रहे हैं, अब इस सब महीने तो बस 1 दिन मिस हुआ था, बाबा 29 दिन अटेंडेंस लगी है मेरी, मेरा उद्धार कर देना, है ना। तो अरे अटेंडेंस से थोड़ी होगा, ये कोई मंदिर थोड़ी है जो आए तो मत्था टेका तो उसका फल, वो फल नहीं है। बाबा कहते हैं मैं जो तुमने इतने मत्थे टेके उसके फल में तो मैं आके तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ। अब उस ज्ञान का बल तुम धारण करो, तुम उस ज्ञान को विचार सागर मंथन करो। अब विचार सागर मंथन करके मक्खन निकालना पड़ेगा ना, अगर वो नहीं करते
तो फिर ज्ञान का बल नहीं मिलता। ठीक है, फिर बाबा कहते हैं याद का बल, याद याद की विधि सबको बता दी, सबको पता है, देह सहित देह के सर्व संबंधों धर्मों को भूल, अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो, है ना, सबको रटा हुआ है ना, अच्छे से कोर्स से, कोर्स से शुरू हो जाता है ना रटना, तो वो सबको याद है, लेकिन बैठते ही नहीं है, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करते हैं। हाँ, याद करने के समय तो सो रहे हैं, है ना, अशरीरी अवस्था दूसरे प्रकार से बन रही है ना, डीप स्लीप, और डीप स्लीप में देह सहित देह के सर्व धर्मों संबंधों को भूल, आत्मा समझ बाबा को याद नहीं कर रहे। तो सारे दिन में हम याद करेंगे नहीं, तो इतनी बड़ी पावरफुल विधि है, उसकी ताकत हमें कैसे मिलेगी? अब आपने देखा है ना, दुनिया में लोग खुद डॉक्टर हैं, लेकिन लाइफस्टाइल भी डिजीज़ से बीमार होके मर जाते हैं, लाइफस्टाइल डिजीज़ से। अब क्या उसको पता नहीं है कि ये लाइफस्टाइल मेरी अनहेल्दी है या मुझे इससे तकलीफ़ होगी? लेकिन जानते हुए भी करे ना तो क्या होगा, है ना? अब कहता रहे मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, तो उससे थोड़ी उसकी हेल्थ इंश्योर हो जाएगी। ऐसे ही हम भी, हम ज्ञानी हैं, ज्ञानी हम योगी हैं, योग तो करते नहीं, योगी क्या है, हमारा नेचुरल योग है, हम बाबा के हैं, हम बाबा के बन गए, बाबा मुरली में कहता है हम बाबा के हैं, बाबा के हैं मत करो, बाबा के तब हैं जब हम बाबा की दिनचर्या को फॉलो करते हैं, है ना। तो हमें ये जो योग का बल है, इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अब योग करेंगे नहीं तो योग का बल कैसे मिलेगा? ना अमृत वेला है, ना ट्रैफिक कंट्रोल है, तो योग का बल मिलेगा कैसे, है ना? ना रात्रि योग है, ना नुमा शाम योग है, कुछ नहीं है। सारे दिन में 1 मिनट भी बैठ के बाबा को याद नहीं करते, ऐसे बहुत बैठे हैं। हाँ, 1 मिनट भी बैठ के बाबा को याद नहीं, लेकिन क्वेश्चन सारे योग के ऊपर पूछते हैं ना, जब बैठेंगे ना तो क्वेश्चन सारे योग के ऊपर पूछते हैं। और एक बार मुझे कोई पूछ रहे हैं, ये अशरीरी स्थिति और विदेही स्थिति में क्या फर्क होता है? मैंने कहा अभी आप आत्मिक स्थिति प्रैक्टिस कर लो, अभी आत्मिक स्थिति आई नहीं है, अभी मैं आत्मा हूँ उतना भी करते नहीं हूँ, और अशरीरी और विदेही और इसमें क्या अंतर है और उसमें क्या अंतर है? नहीं, हम जानना चाहते हैं, तुम्हारे जानने के लिए हम नहीं बैठे हैं, करने के लिए है ना, इतने योग पे प्रश्न पूछेंगे, करना धरना कुछ नहीं। तो योग नहीं करेंगे तो योग का बल कैसे मिलेगा? ठीक है, धारणा है ना, बाबा ने हमें ये जो रेस है ना, ये रेस, इस रेस में दैवी गुणों का बल बहुत जरूरी है ना, क्योंकि दैवी गुणों को अगर हम धारण नहीं करते तो आत्मा की एनर्जी डिप्लीशन इतना फास्ट होता है कि वो कितना भी चाहे वो रेस में आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। आप देखो, मनुष्य 10 घंटे आरओ का पानी पी रहा है और 1 ग्लास गंदा पानी पी रहा है, क्या होगा? आरओ का पानी असर करेगा। ये दैवी गुण ऐसे ही है, दैवी गुण नहीं होते ना तो सब सब पानी में मिल जाता है ना। वो हम स्कूल की बात है, एक मेरी क्लासमेट के घर में ना एक्वा गार्ड बेचने वाला आया था, नया नया एक्वा गार्ड उस समय निकला था, तो उसको कहते हैं उसके पिताजी कि वो तो ठीक है, हम इसको एक्वा गार्ड लगा लेंगे साफ पानी, लेकिन वो जो पानी पूरी वाला आता है शाम को, उससे तो ये लोग खाएंगे ना, फिर अगर ये एक्वा गार्ड का पानी सारे दिन पियेंगे और बस एक बार पानी पूरी खाएंगे तो ये स्वस्थ रहेंगे ना, तो कहते नहीं ऐसे तो नहीं हो सकता। तो कहते फिर आपके एक्वा गार्ड की हमें तो ज़रूरत नहीं है ना। तो वो एक है ना ताने मार रहे थे बच्चों को लेकिन वास्तव में बात यही है,
कि ये जो दैवी गुणों की कमी के कारण इतनी लीकेज होती है कि हम मुरली सुन रहे हैं, योग कर रहे हैं, पर वो लीकेज सब कुछ खत्म कर देती है। दैवी गुण में सबसे पहले आता है पवित्रता, है ना। अगर काम विकार है तो काम विकार तो बाबा कहते हैं कि पांच वाले से गिरने जैसा है। तुम कितना चढ़े महीने भर में भी फर्क नहीं पड़ता, एक बार विकार में गिरे तो गिरे, है ना, सारा देह अभिमान तुम्हारा वापस आ जाता, क्योंकि ये सारा है ना विकारों में सारा है क्या, बॉडी कॉन्शियसनेस है। तो काम विकार के कारण जो जितनी की कमाई है वो चट हो जाती है। क्रोध है, सूक्ष्म क्रोध है या एक्सप्रेस करते हैं, दोनों ही क्रोध अंदर जलाता रहता है। और क्रोध की एनर्जी ऐसी होती है आपको एक आत्मा में फंसा कर रखती है। आप सारे दिन उसका संकल्प ले रहे, वो सारे दिन आपका संकल्प चला रहे, आप सारे दिन एक आत्मा में फंसे पड़े, तो ऐसी आत्मा की क्या उन्नति होगी। वो बाबा को भी याद करने बैठ रहा है ना तो उसको पहले सकाश दे रहा है, हाँ साथ में उसको लेके परम धाम पहुंच जाते, तो बताओ अब ऐसे में क्या उन्नति होगी। काम वाला, क्रोध वाला, देहाभिमान वाला, देहाभिमान वाला तो मुरली भी नहीं सुन सकता। मुझे एक बहन कहती थी, मैं जब मुरली सुनती थी तो मुझे ऐसा लगता था मुझे डांट रहे हो आप। ये तो मुझे 6 साल के बाद पता चला ये तो सब बाबा कह रहा है। क्यों? क्योंकि देहाभिमान आपका 6 साल में थोड़ा कम हुआ है, तो अब आपको दिखाई दे रहा है कि बाबा की शिक्षा है, ये बाबा का प्यार है ना। लेकिन ये जो देहाभिमान इतना होता है कि देहाभिमान वाले को तो मुरली भी नहीं सुनाई देगी। देहाभिमान में तो जैसे ही मुरली की भी एक पॉइंट सुनेंगे कुछ ना कुछ अंदर ट्रिगर होने लगेगा। तो देही अभिमानी स्थिति नहीं है, काम विकार है, क्रोध है ना, लोभ है, मोह। लोभ वाले को तो मैं पहले भी सुनाती हूँ ना, एक भाई आता था उसको रोज कोर्स कराए, लास्ट में अच्छा दीदी वो तो सब ठीक है पर पैसे का क्या, पैसा नहीं बढ़ रहा है। मैंने कहा ठीक है आप पहले कोर्स करो। दीदी 7 दिन पूरे हो गए अभी पैसा नहीं बढ़ रहा है। दीदी वो तो सब ठीक है, जो भी आपने बताया वो तो सब ठीक है, लेकिन पैसे का क्या। तो मैंने कहा पहले ना आप जाओ पैसे कमाओ, ज्ञान तो बाद में भी सुन लेंगे, अभी बहुत ज़िंदगी पड़ी है, अभी आप पहले पैसे कमा लो, उसको देर हो रही है ना। तो लोभ वाले को कुछ सुनाई नहीं देता, उसको सारे टाइम मेरा प्रॉफिट, मेरा पैसा, मेरा ये, तो धारणा कहाँ से होगी। तो बाबा कहते हैं ये जो धारणा का बल है ना, अपने आप को संतुष्टता, पवित्रता, संतुष्टता के लिए कितनी पॉइंट्स आती है ना। लेकिन संतुष्टता की मुरली जिस दिन चलती है उस दिन धन के प्रश्न पूछते हैं कि उस मुरली का ज़रा असर ना हो जाए, कहीं संतुष्ट बन ना जाए हम, है ना। संतुष्टता की मुरली सुनेंगे ना तो प्रश्न पूछे, संतुष्ट होने से फिर ऐसा तो नहीं कमाई वमाई बंद हो जाएगी, है ना। तो पहले तुम रूहानी कमाई बंद कर लो इससे। तो ये जो सारे दैवी गुणों के प्रति बाबा हमें संतुष्टता, पवित्रता, शांति, स्नेह का व्यवहार, आत्मिक दृष्टि, कितनी सारी बातें कहते हैं ना। हर्षित मुख रहना, मीठा रहना, कितनी मुरलियाँ, मुरलियों पे मुरलियाँ। बाबा कहते मीठा बनो, है ना, मीठा बनो। मीठा बोलने में क्या जाता है, मीठा नहीं बोल सकते, मीठा नहीं रह सकते, हाँ। लेकिन हम मीठा सुनेंगे ना तो सीधा दिमाग चलाने लगेंगे, ऐसे उससे मीठा बोलेंगे तो फिर वो मेरा फ़ायदा उठा लेगा, वो मेरे कंट्रोल में नहीं रहेगा, उसकी तो डिमांड ही बढ़ती चली जाएगी। तो ये सब माया करते, दैवी गुण धारण नहीं करने देते, है ना। जैसे ही क्रोध नहीं करना है सुनेंगे तो बड़े एजर्टिव तो हो सकते हैं ना, अपनी बात स्ट्रांगली तो कह सकते हैं, ये क्यों नहीं मन में आता प्यार से भी कह सकते हैं,
क्यों एजर्टिव होके ही कहना पड़ता है? क्यों प्यार में इतनी शक्ति है, क्यों नहीं कह सकते प्यार से? है ना, मुस्कुरा देंगे तो क्या हो जाएगा, है ना? लेकिन ठीक है, सरकमस्टेंस अनुसार, वो तो सरकमस्टेंस जब आएगा तब देखेंगे ना। अभी से संकल्प क्यों चलता है कि क्रोध से, क्रोध के बिना काम नहीं चलेगा, तो चलो उसके छोटे भाई को तो रखें साथ में, एजर्टिव होने की तो परमिशन लेके जाएं। तो संकल्प जैसा है वैसे सृष्टि बनती है। फिर पांच बातें दिन में आती हैं, जहाँ पर आपको क्रोध की जगह थोड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड्स या कुछ और यूज़ करने पड़ते हैं, और क्रोध ही होता है वो है ना, ऊपर से उसको थोड़ा पॉलिश कर देते हैं। और बाबा कहते हैं क्रोध किया, अब मानो आप सबका ये अनुभव होगा, मैं नहीं समझती ऐसा कोई ब्राह्मण है जिसने ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। आप क्रोध में दो शब्द कहते हो, आपका योग नहीं लग सकता, है ना? भले ही आपने चिल्ला के नहीं कहा है, आपने बात उल्टी की है, कमेंट मारा है, आप नहीं शांति में रह सकते। आपको अंदर कुछ होता रहेगा और फिर आप, है ना, फिर आप बाबा को याद नहीं कर सकेंगे, फिर आप 10 बातें उसको जस्टिफाई करने के लिए अपने आप को करेंगे कि अब देखो इतनी बड़ी बात हो गई थी तो इतना तो बोलना बनता है, लेकिन वो सब कुछ आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि क्रोध की अग्नि आपको जला रही है। क्रोध अग्नि है, इफ़ यू प्ले विथ फायर यू विल गेट बर्न्ड, है ना? तो ये काम क्रोध को नहीं छोड़ेंगे, पवित्रता को, शांति को, मधुरता को, स्नेह को, है ना, क्रिटिसिज्म के संस्कार को, कंप्लेंट के संस्कार को नहीं छोड़ेंगे, संतुष्टता के महत्व को समझकर धारण नहीं करेंगे। तो ये धारणा का बल नहीं होगा, और धारणा के बल में बाबा हमें कहते हैं स्थूल धारणाओं का बहुत इम्पोर्टेंस है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सूक्ष्म धारणाएं हैं। जब हम धारणा का पहला चैप्टर ज्ञान में समझते हैं तो उसमें क्या है, पहले फिजिकल प्योरिटी, ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न, है ना, धारणा में सबसे पहले सत्संग, अमृत वेला मुरली मिस ना करना, है ना। और शुद्ध अन्न का बहुत इम्पोर्टेंस है। शुद्ध अन्न माना जो बाबा की याद में बनाया गया, है ना, सात्विक अन्न है। सिर्फ ये नहीं, वो नो अनियन नो गार्लिक इज नॉट शुद्ध अन्न, है ना। आजकल क्या है, होटल में जाके जैन फूड दे दो, वो शुद्ध अन्न नहीं है। शुद्ध अन्न में शुद्ध वृत्ति का बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। अब हम मन के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, सुबह उठ के योग कर रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, और फिर किसी पतित के हाथ का अन्न खा रहे हैं, उसका डायरेक्ट असर हमारे मन पे हो रहा है। तो धारणा नहीं है, स्थूल धारणा नहीं है, सूक्ष्म धारणा नहीं है, तो लीकेज कितनी होती है। फिर ये जो एफर्ट हम कर रहे हैं इसका हमें बल नहीं मिलता, है ना। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं ये धारणा की सब्जेक्ट पर बहुत अटेंशन देना, और सेवा, है ना, बाबा हमें कहते हैं सेवा तो करनी ही पड़ेगी। तन मन धन से इतना पाप किया है, सारा विकर्म कैसे बनाए? तन मन धन से बनाए, तन मन धन से ही तो सारे कर्म किए हैं। तो जब तन मन धन से सारे कर्म किए हैं तो अभी उन कर्मों को रिवर्स करना है, सुकर्म करने हैं, तो उस तन मन धन को ईश्वरीय सेवा में नहीं लगाएंगे, है ना, उस तन मन धन को ईश्वरीय कार्य में नहीं लगाएंगे तो पुण्य का खाता बनेगा कैसे? उस तन मन धन से वही पुरानी चाल चलन, वही पुराना कर्म, तो फिर पुण्य का खाता कैसे बनेगा, है ना। और ये सबसे बड़ा इंडिकेटर है, ज्ञान बल, योग बल, धारणा का बल होगा तो बाबा ने आज क्या कहा, 8 घंटे सेवा होगी, 8 घंटे सेवा, 8 घंटे याद, 8 घंटे नींद, 8 घंटे दैनिक, माना जो नहाना धोना नींद करना सब कुछ 8 घंटे के अंदर हो जाएगा। बाबा ने कहा 8 घंटे याद, 8 घंटे सेवा, 8 घंटे जो अपनी दिन दिन शरीर के निर्वाह,
है ना, सोना खाना पीना सब। अब इसमें फोन देखने का टाइम कहाँ है? काम तो कर्म योग भी हो सकता है, बाबा की याद में वो आप काम करें। अब इसमें आपको फोन देखने का टाइम, घूमने का टाइम, गॉसिप करने का टाइम दिया बाबा ने, फिर वो सब उसमें तो 24 घंटे लग रहे हैं हमारे, वो कहाँ है? उसकी मार्जिन कहाँ है ना? अब ऐसा कैसे हो सकता है कि आप 8 घंटे सेवा, 8 घंटे याद और 8 घंटे शरीर निर्वाह करें, जब आप ये जो ज्ञान योग और धारणा की शक्ति से आत्मा को संपन्न रखेंगे। ये जो सारा एंटरटेनमेंट का चक्कर है, ये क्यों चाहिए? क्योंकि आत्मा खाली है। अब आत्मा जब इन ज्ञान योग धारणा से भरपूर होगी, जब अतींद्रिय सुख का अनुभव करेगी, मेरे अनुभव में ज्ञान से ज़्यादा एंटरटेनिंग इस दुनिया में कुछ भी नहीं। अगर आपको ज्ञान का रस समझ में आता है ना, तो द मोस्ट सबसे एक्साइटिंग एक्सपीरियंस इस दुनिया में होता है एक ऐसी बात को जानना समझना जो आपने पहले नहीं समझी, और ज्ञान आपको रोज़ वो एक्साइटमेंट दे सकता है ना। मैं तो रोज़ ही सारे दिन में एक बार तो मुख से ये बात आती है, मुझे ना आज ये बात समझ में आई, और मुझे इतनी एक्साइटमेंट होती है उस चीज़ की, ये कि ये नई बात मुझे आज समझ में आ गई है ना। तो हालांकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपने वो बात पहले भी समझी है, बट आपको थोड़ा सा डिफरेंट एक फॉर्मेट में समझ में आ गई, लेकिन वो भी आपको बहुत आनंद देता है। तो जब आपको विचार सागर मंथन करने का नशा चढ़ेगा, जब आपको बाबा की याद में है ना अनुभूतियों का सुख, स्नेह का सुख है ना, प्राप्तियों का सुख, संबंध का सुख मिलता है, जब आप धारणा के बल से आप अपने अंदर देखो, आप जब सिचुएशंस के बीच रहते, आत्माओं के बीच रहते, स्नेह संपन्न व्यवहार सम्मान से रहते हैं, पवित्रता में स्थित रहते हैं, मीठे रहते हैं, तो आपको अंदर से कितना रिच फील होता है, होता है कि नहीं? तो बाबा कहते हैं ये जो पूरा होगा ना, तब तो आप 8 घंटे सेवा, 8 घंटे याद और 8 घंटे दिनचर्या में ठीक रहेंगे, और अगर ये नहीं है तो फिर क्या होता है? जो आज बाबा ने कहा ना कि दोनों तरफ चल रहे हैं, क्योंकि ज्ञान सुन रहे हैं, याद का बल नहीं है, मंथन का बल नहीं है, ना धारणा का बल है, तो एक तरफ एनर्जी डिप्लीशन पुरानी दुनिया की तरह ही चल रहा है, भर भर कुछ रहा नहीं है, और ये एडेड बर्डन आ गया है कि अब मुरली जाना पड़ता है, सेवा करनी पड़ती है, तो फिर वो सेवा हो नहीं रही है, सेवा कर रहे हैं, लेकिन सेवा करने की विधि ये नहीं है कि आप सेवा करें। देखो, एक आत्मा जिसकी लाइफस्टाइल में कोई चेंज नहीं आया, जिसके जीवन में कोई सिंप्लिसिटी नहीं आई है ना, उसका धन तो बच ही नहीं रहा ना, तो उसको अगर धन लगाना पड़े सेवा में, तो उसको एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है, तो उसको बोझ लगता है। लेकिन एक आत्मा जिसने सिंप्लिसिटी के गुण की धारणा कर ली, उसको लगता है पहले तो मेरे जीवन में इतना व्यसन विकार, इतना है ना दिखावे में इतना धन मेरा खर्च होता था, अभी ये सब तो वैसे भी बाबा का ही है, तो बाबा का जो बचा हुआ है वो बाबा के यज्ञ में लगता है, तो उसको सेवा करना कभी बोझ नहीं लगेगा। लेकिन अगर हमारे जीवन में धारणा ही नहीं है, योग ही नहीं है ना, या हमारे अंदर विचार सागर मंथन की खुशी ही नहीं है, तो हमें कोई भी काम, जैसे दुनिया में हम हर चीज़ करते वक्त आई हैव टू करके थकते हैं ना, ऐसे हमें मुरली आने में भी जाना पड़ता है, सेवा करने में भी करना पड़ता है, ऐसे चलेगा है ना? तो सेवा जो है वो बाय प्रोडक्ट है, और ज्ञान योग धारणा कितनी है उससे पता चलता है कि
कि सेवा कितनी कर रहे हैं, और कर रहे हैं स्वतः कर रहे हैं, खुशी से कर रहे हैं। खुशी से सेवा तब होती है क्योंकि जो ज्ञानी योगी है ना, उसके पास और कुछ करने को ही नहीं है। मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं, जो सच में ज्ञान योग धारणा है ना जिसके अंदर, उसके पास बहुत फ्री टाइम है। उसका थॉट, टाइम, एनर्जी, पैसा सब फ्री है क्योंकि उसका कुछ काम ही नहीं है। तो क्या करेगा, वो सेवा करेगा। हमें लोग कहते हैं आप लोग इतनी सेवा करते हैं, मैं क्या करें, और कुछ करने को है ही नहीं, और तो किसी चीज़ में रुचि ही नहीं है। अब तो सब बातें ऐसे फीकी पुरानी लगती है ना। तो जब ऐसे सारी दुनिया फीकी पुरानी लगती है तो फिर पता चलता है कि हाँ सेवा ही करनी है। तो सेवा तब होती है, और नहीं तो क्या होता है कि आप अगर शक्ति नहीं भर रहे तो चलो ज्ञान सुन रहे हैं, सेवा करना है सुन रहे हैं, तो आप मुरली में रोज़ सुन रहे हैं, अटेंडेंस मिस नहीं होनी चाहिए, अमृत वेला मिस नहीं होना चाहिए, आप रोज़ मुरली में सुन रहे हैं कि सेवाधारी तो बनना ही है, तो आप कर रहे हैं, लेकिन उस करने का बल आप ले नहीं रहे विधि से, तो फिर क्या होगा, थकेंगे। इससे होती है थकान। थकान कब होती है, ओवर एग्जर्शन। ओवर एग्जर्शन का कारण है विधि को नहीं अपना रहे, और फिर क्या होता है, फिर धीरे धीरे हमसे तो नहीं होता, अब जो होगा देखा जाएगा, है ना। अब वहाँ तो रोज़ ताने ही पड़ते रहते, पहले वो स्व उन्नति की बात थी, अब क्या लगता है, वहाँ तो रोज़ ताने ही पड़ते रहते हैं, है ना। अभी मैंने लिख दिया था चार्ट में अमृत वेला नहीं होता, तो आज अमृत वेले पे शुरू हो गए, है ना। तो ये क्या है, ये अपनी थकान है, क्योंकि हर चीज ताने जैसी लगेगी, क्योंकि थकते चले जा रहे। पहले उसी बात को सुन के देखो, जब हम शुरू में आते हैं वही बात सुनते हैं, 5 दिन अमृत वेला, तो संकल्प क्या आता है, बाबा 5 दिन से कह रहा है करना है ना। और बाद में जब थक जाते हैं तो 5 दिन से ताने सुन रहे हो, अब तो जाना ही नहीं है, रोज सुनो, रोज थको, परेशान हो, क्यों जाना है, है ना। तो थकी आत्मा ऐसी होती है, थकी आत्मा को मोटिवेशन नहीं मिल पाता। मोटिवेटेड होने के लिए आपको उमंग उत्साह चाहिए, है ना। उमंग उत्साह तब आता है जब हम विधिवत चलते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा ना, श्रीमत पर नहीं चलेंगे, धारणा नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे थकान होती जाएगी, और थकान सिर्फ थकान तक नहीं रहेगी, फिर धीरे धीरे रुक जाएंगे, और फिर बाबा ने क्या कहा, ट्रेटर बन जाएंगे, है ना। क्योंकि जब थकेंगे रुकेंगे तो अपनी बुराई तो करेंगे नहीं, करेंगे हमसे नहीं हुआ तो हम नहीं चल पाए, नहीं, वहाँ ये प्रॉब्लम है, वहाँ वो प्रॉब्लम है, वहाँ ऐसे होता है, वहाँ ऐसे होता है, यही बुराई करेंगे। ये होता है प्रोसेस। इसीलिए हमें समझना है कि अगर हम श्रीमत पर नहीं चल रहे और हम सिर्फ ऐसे ही नेमिनाथ बन के सेवा करते जा रहे हैं, ज्ञान सुनते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे हमें थकान होती जाएगी, क्योंकि बाबा जो हमें बल दे रहे हैं वो हम ले नहीं रहे, सिर्फ हम बाबा को, जैसे दुनिया में भी हम क्या, ये करना पड़ता है, ये छोड़ना पड़ता है, ऐसे चलना पड़ता है, उसी हिसाब से चल रहे हैं, उसके बल को हम नहीं ले रहे। तो इसलिए बाबा हमें कहते हैं, ये जो ज्ञान मंथन करके बल, प्यार से बाबा को याद करके आत्मा रस का अनुभव करे, शक्ति का अनुभव करे, धारणा के बल से अपनी एनर्जी डिप्लीट होने से बचाए। सारे दिन क्रोध करेंगे, फिर मुरली में आके बैठेंगे, है ना, सारे दिन ओवर थिंकिंग करेंगे, मुरली में आके बैठेंगे तो मुरली सुन के भी थकान ही होगी, है ना। जैसे ही बाबा कहेगा क्रोध नहीं करना है, तो लगेगा, है ना, कि क्या गिल्ट होगा, थकान होगी, और तो कुछ नहीं होगा। तो उसी से ही धीरे धीरे फिर थकान शुरू हो जाती, और जो नेचुरल प्रोसेस है, जो एक्चुअल प्रोसेस है, वो क्या है कि हम बाबा की धारणाओं पर चले, श्रीमत पर चले, विचार सागर मंथन भी करें, याद भी करें,
हर गुण को प्रायोरिटी दें, काम क्रोध की आदतें छोड़ें, अवगुणों को छोड़ें, और उसके बाद धीरे धीरे हमारा जो असली स्वरूप है विश्व कल्याणकारी का वो इमर्ज होता जाए। हमारा नाम ही विश्व कल्याणकारी, आप अल्टीमेटली वही बनेंगे अगर आप विधि से चलेंगे ना, आप वही बनेंगे ना। हर बच्चे का नेचुरल ट्रांजिशन प्रोसेस अगर विधि से चले तो क्या बन जाएगा, है ना? वो आके बैठ जाएंगे सेंटर पे, बोलेंगे कि हमें सेवा दो, हमें बस कुछ करने को नहीं है। क्योंकि ये सेवा सेवा ही आपको फिर नजर आएगी और कुछ नजर ही नहीं आएगा, है ना? बाबा का बच्चा माना सेवादारी। लेकिन अगर विधिवत नहीं चल रहे तो फिर ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं और फिर धीरे धीरे थकान और ये वो सब शुरू होता है ना। इसीलिए बाबा के यहाँ सिर्फ करना नहीं है, भरपूर होना और करना है, और भरपूर होने की विधि गुप्त है, भरपूर होने की विधि गुप्त है। इसीलिए क्या होता है, जब हम लुकिंग गुड की दुनिया से आते हैं ना, तो हम वो भरपूर होने की विधि पे अटेंशन नहीं दे रहे, है ना? कह रहे हैं हम शुद्ध भोजन खा रहे हैं पर खा नहीं रहे, और शुद्ध भोजन भी में भी बाबा की याद शक्तिशाली कुछ नहीं है, है ना? कह रहे हैं हम कर रहे हैं, धारणाएं कर रहे हैं या ऐसा, लेकिन कोई धारणा नहीं, अभी भी ओवर थिंकिंग उतनी ही, अभी भी है ना निंदा स्तुति की बातें चलती हैं, सब कुछ चलता है, व्यर्थ विस्तार है। तो धीरे धीरे फिर क्या होता है, कहने से नहीं होगा, धीरे धीरे शक्ति नहीं रहेगी। इसीलिए इस ये जो हमारा मार्ग है ना, इसमें अगर जीते रहना है, लंबा चलना है, तो सच्चाई सफाई से चलना ही पड़ेगा, है ना? वरना क्या होगा, वरना धीरे धीरे अपने आप नेचुरल एलिमिनेशन हो जाती है। इसीलिए बाबा ने कहा ना, शक पड़ता है कल रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि जब नहीं विधि से चलेंगे तो शक पड़ता है। लेकिन आप सोचो कि हमारा आखिरी सहारा है बाबा, अगर ये सहारा भी छूट जाए और हम ध्यान ना दें तो ये तो बहुत घाटे की बात हो जाएगी। इसीलिए बाबा हमें सावधानी दे रहे हैं मुरली में, है ना? और सबसे पहली चीज आज बाबा ने क्या कहा, काम क्रोध से भी कड़ा है देह अभिमान, है ना? इसीलिए जब हम बाबा के घर में आते हैं ना, हमें देह अभिमान बाहर छोड़ के आना पड़ेगा ना, कम से कम बाबा के घर में तो देह अभिमान बाहर छोड़ के आना पड़ेगा, है ना? और अगर हम देह अभिमान बाबा के घर में भी ले आएंगे ना, और हमें ऐसा फील हुआ वैसा फील हुआ करने लगेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। बाबा हमें, जब हम देह अभिमान का ऑपोजिट क्या है, स्वमान में, मैं कौन हूँ, मैं बच्चा हूँ, किसकी मुरली, बाप की मुरली, मेरा बाप मुझे मेरे कल्याण के लिए मुरली सुना रहा, उस कल्याण उस बात को समझ के मुझे मुरली सुननी पड़ेगी ना, ये मेरे लिए कहा जा रहा है ना। हम दुनिया में किसी की ना सुने, हमें बाबा की तो सुननी पड़ेगी, है ना? मुझे एक बार किसी ने कहा, हम किसी की क्यों सुने, किसी के साथ हम्बल क्यों रहें, किसी के साथ क्यों प्यार, अगर कोई गाली देता है उसके पास क्यों जाए, बात क्यों करें। मैंने कहा कुछ मत करो, लेकिन बाबा की सुनो, नहीं जाओ किसी के पास, आपको नहीं जाना ना, आपका मन नहीं करता, मत जाओ, मत वहाँ सुनो, मत उसकी बातें कड़वी सुनो, कुछ मत करो, लेकिन बाबा की सुनो, है ना? लेकिन जब देह अभिमान का संस्कार होता है ना, तो वो संस्कार हर जगह काम करने लगता है ना? और जहाँ देही अभिमानी बनेंगे वहाँ हर जगह मीठे हो जाएंगे। एक बाबा की सुनेंगे ना तो सबकी सुनने की ताकत आ जाएगी, है ना? और शुरू में किसी और की नहीं सुननी, मत सुनो, कोई बात नहीं, लेकिन बाबा की सुनो,
ना, देहाभिमान जब होता है तो देहाभिमान का सबसे बड़ा स्वरूप होता है कि हम बाबा की बात में भी राइट रॉन्ग करने लगते हैं, है ना। चाहे निमित्त सुनाए चाहे मुरली में सुनो, हम कभी बाबा की बात के सिवाय कुछ नहीं सुनाते ना। किसी का कोई और लक्ष्य नहीं है, क्या लक्ष्य है, वो भी हमारी ड्यूटी है बोल के सुनाते हैं ना। ये ड्यूटी है हमारी। अभी कुर्सी से उतर जाएंगे तो 10 बार भी पूछोगे तो आपकी कमी बताएंगे क्या? नहीं बताएंगे, कभी नहीं बताते ना। क्यों? क्योंकि ये ड्यूटी है हमारी, तो ड्यूटी है तो क्लास में बताते ना। ये हमें ये नहीं करेंगे तो हम धर्मराजपुरी में क्या जवाब दें कि कुछ सिखाया नहीं, कुछ पढ़ाया नहीं, बिठाया क्यों था तुम्हें? तो बाबा कहते हैं इसीलिए ये जो देहाभिमान को छोड़ना पड़ेगा, मैं आत्मा हूँ, मेरा बाबा आया हुआ है, मेरा बाबा जो मुझे कह रहा है वो मेरे कल्याण के लिए कह रहा है, सबसे पहले इस बात को समझना पड़ेगा और उसको धारण कर मुझे हर बात को श्रीमत, ये श्रीमत है, सतगुरु का निंदक नहीं बनना है, मुझे जो शिव बाबा ने कहा वो मुझे करना ही है। इस प्रकार से चलेंगे तभी जाकर हमारा कल्याण होगा, ठीक है। तो आज बाबा ने बहुत सावधानी दी और समझाया, और ज्ञान मार्ग में थकना नहीं है, गिरना नहीं है, उसके लिए जो प्रिकॉशन रखने हैं, क्योंकि अगर हम रस बाबा की श्रीमत के आधार से नहीं ले रहे ना, अगर हमारे अंदर अभी भी रस, तो जब ज्ञान का बल नहीं है, याद का नहीं है, से धारणा का नहीं है, तो रस कहाँ से लेंगे? पुरानी दुनिया से लेंगे। और पुरानी दुनिया का रस भी लें और यहाँ की मेहनत भी करें, वो तो बहुत टायरिंग हो जाएगा। अगर पुरानी दुनिया का रस छूटा नहीं है और यहाँ मेहनत कर रहे हैं तो 24 घंटे में इतना टाइम तो नहीं है। इसीलिए बाबा की याद से, प्यार से अंदर आत्मा को इतना भरना है कि पुरानी दुनिया के रस से हमारी बुद्धि निकले, तब वहाँ जो तन मन धन बचेगा वो सेवा में लगेगा और ये जो वर्चुअस साइकिल शुरू होगा। नहीं तो वो जो विशियस साइकिल है ना, आत्मा खाली है, सारा तन मन धन पुरानी दुनिया में जा रहा है तो नेचुरल है वो पाप बना रहा है, फिर नीचे गिर रहे हैं, वो चल ही इस प्रकार से रहा है। तो जब तक आत्मा श्रीमत के बल से भरपूर नहीं होगी तो तन मन धन पुरानी दुनिया से निकलेगा ही नहीं, तो फिर सेवा में लगेगा कैसे और पुण्य का बल बढ़ेगा कैसे? तो इन सारी बातों को समझकर अभी आगे चलना है ना। और फिर बाबा कहते हैं समय का कुछ भरोसा नहीं ना, अकाल मृत्यु की सीजन चल रही है, कब कौन सी आपदा आ जाए कुछ पता नहीं, इसलिए अपनी तैयारी बहुत अच्छी करनी है ना, कल ऐसा ना हो कि अंत घड़ी पछताना पड़े, क्योंकि है तो ज्ञानी ना, ज्ञानी को सबसे ज़्यादा क्या आता है? पछताना, है ना। लेकिन उससे ज़्यादा ज्ञानी को नहीं पछताए वो विधि आती है ना। नॉलेज की सबसे पहले साइन है आपको पछताना आता है। और जैसे जैसे और नॉलेज होती है तो इसका मतलब जब आप नॉलेजफुल हो जाते हैं तो आप उस पछताने से बचने के लिए प्रिपेयर्ड हो जाओ, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं पछताना ना पड़े इसके लिए प्रिपेयर्ड हो जाना। ओम शांति।